सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बीजेपी किसानों के विरोधी है क्योंकि वो उद्योगपतियों को कर्ज देती है और माफ भी कर देती है। जो सपा ने सरकार सड़कें बनवा दी उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करवा पाई तो क्या भरोसा किया जाए इस सरकार पे। सांसद डिंपल यादव है तो उन्होंने यहाँ पे विकास कराया है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। यहाँ समाजवादी का माहौल है और समाजवादी के घर जैसे संबंध प्रत्येक घर में है यहाँ कि हमें पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहिए। यहाँ किसान भी है, गरीब भी है और बिजनेसमैन भी है। आप किसी सरकारी योजना का नाम बदल देंगे तो इससे बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। इंडिया गठबंधन की ही बनेगी ये सुनिश्चित है। जनता ने भी ठान लिया है, युवाओं ने भी ठान लिया है। माल तो रघुपी साइकिल को ही है, साइकिल बिजनेस में सबकी दिक्कत ही है। GST वगैरह बहुत लगा दी है, हर चीज़ पे 18% GST लगा दी। सम्मान अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। लोग आज रात के 12 बजे भी सुरक्षित चाहे कहीं भी चले जाएं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं उनको। सर हम अभी मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया बीजेपी के लोगों ने। समाजवादी पार्टी 4 लाख वोटों से जीत रही है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर है और ये जिस जगह हम है वो कटरा समान चौराया है और ये बाजार है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं इस लोकसभा पे प्रत्याशी की बात करूँ तो भाजपा से जयवीर सिंह जी यहाँ चुनाव में है और वहीं सपा से डिंपल यादव जी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और बसपा के जो प्रत्याशी है शिव प्रसाद यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग पता करेंगे इस चौराहे में, इस बाजार में, कि इस बार 2024 के चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या लोगों का मानना है। जी नमस्कार जी भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या लग रहा है? गठबंधन जीत की कगार पे है। इंडिया गठबंधन जी, ऐसा क्या अच्छा लगता है? ऐसा है वो किसानों का मतलब की सरकार है, बीजेपी किसानों के विरोधी है क्योंकि वो उद्योगपतियों को कर्ज देती है और माफ भी कर देती है। किसानों से कर्जा लेती है थोड़े थोड़े, 1-1-2 लाख वो भी वसूली की जाती है। कोई सुसाइड करता कुछ करता, जो भी वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए। कहीं स्मार्ट सिटी, कहीं गड्ढा मुफ्त, ये सब ऐसे ही पड़े हुए। जो सपा ने सरकार सड़कें बनवा दी उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करवा पाई तो क्या भरोसा किया जाए इस सरकार पर। मोदी जी ने अच्छा नहीं किया काम, कोई अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे वो। तो इस बार वोट किधर दे रहे हो आप? इंडिया गठबंधन साइकिल पे जी। ठीक है, और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ। बाबू जी नमस्कार जी, क्या नाम हुआ अपना? विनोद यादव। विनोद जी, चुनाव की बात कर रहे थे, हम लोग घूम रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या लग रहा है, क्या माहौल मैनपुरी में बनेगा? मैनपुरी में लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। पहले नहीं विकास हुआ? नहीं, पहले भी विकास हुआ। माननीय डिंपल यादव यहाँ से सांसद है तो उन्होंने पहले भी विकास कराया है, काम किया है उन्होंने। हाँ, काम किया है। और बाकी जो केंद्र सरकार की अगर बात करें उनका काम कैसा लगता है? नहीं, यहाँ से सांसद डिंपल यादव है तो उन्होंने यहाँ पे विकास कराया है तो विकास के नाम पे लोग वोट देते हैं। तो सांसद हैं, विधायक जी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के हैं तो विधायक जी ने भी यहाँ पे विकास कराया है तो विकास से लोग संतुष्ट हैं, यहाँ पे विकास के नाम पे वोट देते हैं। आपका बिजनेस है बर्तनों का, तो क्या इन 10 सालों में कैसा रहा आपका काम, कैसा रहा आपका बिजनेस, कैसा रहा? नहीं, बिजनेस तो बहुत बुरी हालत है, बिजनेस में तो बहुत बुरी हालत है ना। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बहुत फैली हुई है तो ये दिक्कतें हुई। हाँ, बहुत दिक्कतें हुई बिजनेस में, बहुत दिक्कतें हैं। तो आप साइकिल देख रहे हैं? नहीं, साइकिल के आप विकास के नाम पर जो विकास कराता है मैनपुरी में डिंपल यादव ने और माननीय ब्रजेश कठेरिया विधायक जी ने विकास कराया है ना, तो हम क्या सारे लोग ही विकास के नाम पे यहाँ वोट करते हैं? सारे, तो आप विकास के नाम पर वोट? हाँ, विकास के नाम पे वोट करते हैं। ठीक, भैया जी नमस्कार, बात हो जाएगी, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैनपुरी लोकसभा सीट है, क्या देख रहे हैं आप, क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव में? कोई ना, अखिलेश भैया ही आएंगे। अखिलेश भैया जी, क्या अच्छा लगता है अखिलेश भैया? अखिलेश भैया की बस टोन अच्छी लगती है, उनका काम अच्छा लगता है। वोट बन गई आपकी? वोट बन चुका है। बन चुका है, तो साइकिल पे ही जा रहे हैं? साइकिल पे ही जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ घूम रहे थे चुनाव का माहौल जानने के लिए, तो क्या नाम हुआ आपका?
हमारा नाम सुरेंद्र वर्मा। वर्मा जी क्या देख रहे, मैनपुरी लोकसभा सीट है यार। तो जय जीतेंगे और कौन जीतेगा, इन्हीं का माहौल चल रहा है। किनका? इन्हीं का, अखिलेश जी का। अखिलेश जी का? जी हाँ। तो साइकिल देख रहे हैं? हाँ, साइकिल साइकिल साइकिल। क्या अच्छा लगता है अखिलेश जी का काम? या काम। सब सभी काम बढ़िया उनका लगा। हाँ, सभी काम बढ़िया लगा, कोई ऐसा काम नहीं लगा हमें जो कि कोई गलत हुआ हो। हाँ, तो जैसे बाकी चीजें है भाई, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इन सब पर काम भी किए? सब 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 बढ़िया काम है सब। तो आप साइकिल देख रहे हैं? हाँ, साइकिल साइकिल साइकिल। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अरुण कुमार राठौर है, मैं साउथ समाज से आता हूँ। अरुण जी, चुनाव की बात कर रहे थे, मैनपुरी लोकसभा सीट है, क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ समाजवादी का माहौल है और समाजवादी के घर जैसे संबंध प्रत्येक घर में है। यहाँ सैपई यहाँ से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर पड़ता है, और वो लोग अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं, तो जनता ये चाहती है कि हमें पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहिए। यहाँ किसान भी है, गरीब भी है और बिजनेसमैन भी है। तो अब आदमी ये नहीं चाहता कि अब हवाई जहाज़ का किराया कम कर दिया, तो ये नहीं चाहता आदमी। यहाँ आदमी बस में सफ़र करने वाला है, रेल में सफ़र करने वाला है। सबसे बड़ी किसानों की, व्यापारियों की समस्या होती, बिल बत्ती का आप देख रहे, 6,000 का निकाल देते, अब वो बेचारा चक्कर काटे। और आप देख रहे हैं अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही है किसानों की, बेचारे रात में गैया रखाएं, दिन में बेचारे तो गैया रखाएं, घर बेचारे नहीं जा पा, किसी का कूलर टूट गया, किसी सांड दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी समस्याएं हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो नए प्रत्याशी आए हैं वो आज वोट मांगने आएंगे, सैफई परिवार के नेताजी से लेके माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे घर पे भी अखिलेश यादव जी घूम गए, उनकी बेटी कल ही आई थी, हमसे नहीं सब पूरे दुकानदारों से सबसे उन्होंने वोट मांगे। तो आदमी ये चाहता है कि हम वो नेता चुनेंगे जो हम सबके बीच में रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 112 वो 100 नंबर चलाई थी, अब इन्होंने 112 कर दी, तो 2 नंबर बढ़ा के कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर दी। आप किसी सरकारी योजना का नाम बदल देंगे तो इससे बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। धरातल पे उन्होंने ये कहा था कि भाई बहुत छीना झपटी होती, आज 100 नंबर आज 112 कर दी कि आप हर चौराहे पे आप कहीं चले जाइए। हाँ, कोई घटना हो जाती है आप तुरंत कॉल करेंगे, आपके तुरंत पुलिस आएगी। महिलाओं के लिए उन्होंने वो चलाया 1090 चलाई थी, किसी महिला को अगर आपको कोई दिक्कत होती, कि छेड़खानी कोई परेशानी होती, आप 1090 पे कॉल करिए, तुरंत आपकी बात 24 घंटे में सुनी जाए। ये सारी योजनाएं तो अखिलेश यादव जी की तो हैं। आज विरोधी पार्टियां ये कहें सैफई में वो बनाया था उन्होंने 1000 उसका बनाया था ICU का, अब बाबा जी उद्घाटन करने आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं एक्सप्रेस वे बना दिया, कहाँ से आप चले जाइए 2 मिनट में लखनऊ, आप 2-1 घंटे में पहुँच जाते हैं। हम लोग कभी कोई मरीज बीमार हो जाता आगरा ले जाते थे, दिल्ली ले जाते थे, लखनऊ ले जाते थे, बहुत बड़ी परेशानियां होती। आज आप सोचिए कि आप लखनऊ पहुंच गए। क्या भैया आपको क्या लगता है कैसे रहे 10 साल? ये 10 साल तो पब्लिक खुद जानती है कैसे रहे, बस ये है कि आदमी इतना त्रस्त हो चुका है इस सरकार से, सिवा परेशानी के, चाहे वो किसान हो, छात्र हो या गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति हो, सिवा परेशानी उसको कुछ मिला नहीं इन 10 सालों में। क्या देख रहे फिर इस बार, बदलाव देख रहे क्या? बदलाव तो सुनिश्चित है, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, ये सुनिश्चित है। जनता ने भी ठान लिया है, युवाओं ने भी ठान लिया है, हर वर्ग हर तबका इस सरकार से त्रस्त है और वो चाहता है बदलाव हो, और बदलाव होके रहेगा, ये सुनिश्चित है। क्या नाम हुआ अपना? सोनू। सोनू भाई क्या करते हैं आप? बिजनेस है सर। अच्छा, बिजनेस है आपका। कैसा रहा काम, कैसा रहा 10 सालों में, क्या देखा? काम सर ऐसा ही है, अभी तो हल्का चल रहा है काम। हल्का चल रहा है? हाँ जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? अब दिक्कतें तो सब महंगाई के वजह से आ रही हैं दिक्कतें, और क्या दिक्कतें आ रही हैं सर। मैनपुरी में क्या देख रहे हैं अभी? मैनपुरी में तो अभी सपा का गढ़ है, सफाई का है, वो ही चल रहा है अभी। तो आप वोट किधर कर रहे हैं? वोट सफाई में है सर। सफाई में ही? जी जी। अंकल क्या नाम हुआ? हाँ, उपदेश सिंह यादव। उपदेश जी, क्या चुनाव की बात कर रहे थे, क्या माहौल बन रहा है मैनपुरी? माहौल तो रखो, साइकिल कोई है? साइकिल 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 हाँ साइकिल। और जनता तो चौमासी में से खड़ा है जाने कितने घंटे खान लाए जाए। सरकार की बात करें तो 10 साल कैसे रहे आप? सरकार ने 10 साल में तो टिटुआ लोगों ने फायदा ही अब रहो काब में सरकार में। तो आप साइकिल ना? हम बात है साफ बात पर, हमका कोई गुलाम थोड़े ही है, हम किसी गुलाम नहीं है। वोट साइकिल पे जा रहे हैं? वोट साइकिल में ही भाई, आज जो कछु ना ही। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ अपना? लज्जा राम यादव जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस है आपका?
कैसे रहे 10 साल आपके? आपके बहुत खराब रहे यहाँ के। किस तरह की दिक्कतें हुई है बिजनेस में आपके? बिजनेस में सब दिक्कत ही है, GST वगैरह बहुत लगा दी है, हर चीज़ पे 18% GST लगा दी, बहुत खराब रहे दिन। और जैसे नोटबंदी भी हुई उसमें भी नोटबंदी हुई, उसमें सब प्रॉब्लम वही हुई, लंबी प्रॉब्लम हुई पब्लिक को। क्या देख रहे हैं अभी इस सीट पर, क्या देख रहे हैं? यहाँ तो समाजवादी पार्टी है, साइकिल को आप देख रहे हैं? साइकिल 4 लाख वोटों से जीतेगी, इससे कम में नहीं जीतेगी। आप किधर जा रहे हो? साइकिल की तरफ। साइकिल की तरफ जी। क्या नाम है भैया जी? ध्रुव मिश्रा जी। ध्रुव जी, कैसे रहे 10 साल ये? किस चीज़ के सरकार के कैसे रहे? सरकार बहुत अच्छी रही, सुशासन है यहाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, महिलाओं का यहाँ जाना आना परेशान था, बहुत लूट घूस लूट घसूट होती थी, आज सुशासन है, लोग जो है सुरक्षित घूम रहे हैं, कोई भी दुकानदार को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। गुंडे लफंगे आते थे, सौदा ले ली, पैसे लेके चले गए, सौदा लेके पैसे भी नहीं दिए, इतनी दबंगई थी। अब आराम राज्य है एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बदलाव निश्चित है, बदलाव होगा मैनपुरी में। तो कैसा काम रहा, मतलब केंद्र सरकार की अगर बात करें मोदी जी का? केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के गरीबों को आवास, मुफ्त राशन सभी को दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। तो आगे क्या लगता है कि भाई मुफ्त राशन जैसे मिल रहा है, क्या और भी सारी कई चीज़ें हैं राशन से अलग, रोजगार की बात करें अगर, रोजगार पर कितना काम आपकी सरकार? आदमी का सबसे बड़ा है सम्मान, सम्मान अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। लोग आज रात के 12 बजे भी सुरक्षित चाहे कहीं भी चले जाएं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं उनको। तो आप भाजपा देख रहे हैं? भाजपा देख रहे, भाजपा देख क्या रहे, सभी पब्लिक ही देख रही है, ऐसा साइलेंट वोट है भाजपा का, चिल्लाता नहीं है कि हम भाजपा को वोट देंगे, पास में सैंपई है, नेता भी हैं लोकल के, सब पीछे पीछे लगे हैं आपके, वो जाएंगे तो आदमी कह नहीं पाएगा। आप जहाँ जाइए अकेले में जाइए, अकेले में बात करिए उनसे, तो वो बताएंगे हम सुरक्षित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम जी अपना? राम खिलाड़ी राठौर जी। क्या लगता है आपको, क्या देख रहे हैं? यहाँ समाजवादी पार्टी 4 लाख वोटों से जीत रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जो लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं, यहाँ गुंडाई नहीं होती है, मेरे ऊपर खुद बीता हुआ है, रात में लोग हमला कर देते हैं, इतनी बड़ी गुंडाई शायद मैंने कहीं कभी नहीं देखी है जो ये समय हो रही है। भाई साहब तो अभी कह रहे हैं कि बहुत, भाई साहब कह रहे हैं, मैं अपना कह रहा हूँ, मैं बैकवर्ड का आदमी हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, जो बात कहता हूँ मैं क्लियर कह रहा हूँ। सर हम अभी मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो अभी ये बाजार है, ये सब लोग यहाँ दुकानें हैं, अगर यहाँ कैसा रहा काम? जैसे यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, समाजवादी पार्टी में सब घर में बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात किसी को लजाया सताया जाता तुरंत से भाई आवाज़ पहुँचती है तो कार्य होता है उनका, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बेफजूली आदमों को तो बदनाम किया जा रहा है। तो आप साइकिल देख रहे हैं? बिल्कुल साइकिल नहीं देख रहा हूँ, और कुछ भी देख रहा हूँ, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, हमारी कम से कम 60 सीटें कम से कम यहाँ उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं मुझे। क्या नाम है अपना? पंकज। पंकज जी, चुनाव की बात कर रहे हैं, ये सामान चौराहा है आपके यहाँ, क्या लग रहा है मैनपुरी में, क्या माहौल देख रहे हैं? मैनपुरी में साइकिल ही कड़ेगी। क्या अच्छा लगता है साइकिल में? साइकिल में सब कुछ अच्छा है, गाय नहीं रखानी पड़ती है रात में, मेन समस्या तो यही है किसान की, रात में गाय नहीं रखानी पड़ती है, आराम पर के सो। किसान है आप? जी सर। और बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस भी करते हैं, रात में खेत पर लेटते हैं, रात में खेत भी लेटते हैं और दिन में दुकान चलाते हैं। किसानों के लिए कैसी रही अगर मोदी सरकार की बात? नहीं, फेल है बिल्कुल। आपका बिजनेस भी है तो जैसे GST आई, नोटबंदी हुई, कोरोना आया, इनमें कैसी स्थिति? GST आई, नोटबंदी आई, इसने उन्होंने कमर तोड़ दी है महंगाई के मारे में। मैनपुरी जो है ये कहीं ना कहीं सपा का एक तरह से गढ़ है, तो मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से, नेताजी जो थे काफ़ी बार जीते, अब डिम्पल जी भी यहाँ से चुनाव जीती, उपचुनाव जीती, तो उनके काम कैसे रहे यहाँ क्षेत्र में? क्या उनमें भी आपको दिक्कत नज़र आती है कहीं ना, उनकी राजनीति दिक्कत नहीं आ रही उनमें? उनका सही है, सही है, जब चाहूँ तब मिल लेते हैं, कल भी आई थी उन टिम्बर का अंकलेश की बेटी यहाँ पर, उनसे भी मिला मैं। वोट किधर कर रहे हैं आप? वोट साइकिल में जाएगा अपना। मैनपुरी में क्या माहौल आप देख रहे हैं इस बार, क्या बनेगा माहौल? सपा का क्या अच्छा आपको लगता है अभी सपा में, किस तरह के मुद्दे देख रहे हैं? मुद्दे विकास का मुद्दा देख रहे हैं, लड़कों की नौकरी के लिए मुद्दा देख रहे, किसानों की समस्या है, कुल समस्या है। आप बतलाइट बहुत कम आ रही है यहाँ पर,
तो नौकरी की आप समस्या है, रोजगार की क्या स्थिति है नौजवानों? रोजगार बिल्कुल ठप है, भर्तियाँ वर्तियाँ नहीं आ रही, भर्तियाँ आ रही पर्चा नष्ट हो जा रहे, अभी पेपर लीक हुआ अभी। हाँ पर्चा लीक हुआ तो लड़के क्या करें, तो स्थिति खराब है नौजवान। हाँ स्थिति खराब है। वोट किधर कर रहे फिर आप? वोट हम समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। क्या नाम आपका? रविदास है। अच्छा तो चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, मैनपुरी लोकसभा सीट है, क्या लगता है आपको, क्या माहौल बना रहे हैं, जनता क्या देख रही है चुनाव में? तो है था ही रहे साइकिल, तो क्या अच्छा लगता है साइकिल में? साइकिल में सब अच्छा ही है। जो हमारे लिए क्या कर रहे, किसान के लिए कुछ कर रहे? किसानों के लिए काम नहीं किया? अच्छा कछु नहीं, 50 किलो की बोरी आती 45 तक गई, घटा दी, 5 किलो घटाए गई। और मूल्य? और मूल्य तो ही वो तो किसान ने की जगह किसान रहे ना, सरकारी कर ले और काम करो और संजाग सो जा रोटी खाओ बैठो। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार सर जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। श्याम जी, राठौर समाज से आता हूँ। किस समाज से? राठौर समाज। राठौर समाज से। तो सरकार वो हो जो किसान का विकास करे, दूसरी बात ये है कि जो आज कितनी बड़ी परेशानी सबको आ रही वो दूर होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि हमें किस में वोट देना है, सरकार वही अच्छी है जो सबका विकास करे। और आपको लगता है विकास हो रहा है आज के दौर में? आज के दौर में तो सबको ही लग रहा होगा कैसा हो रहा है, अब अगले की सब उम्मीद करते हैं। और एक आम आदमी को किस तरह की समस्याएं हैं आज? आम आदमी आज के समय में छोटा आदमी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? इसलिए परेशान है कि उसके आगे बहुत विकट समस्याएं पैदा होती चली जा रही हैं। किस तरह की समस्याएं? समस्याएं तो बहुत कुछ हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, मनमानी सरकार कर रही, अब बताओ क्या करें। करूँ जान किधर बन रहा है? वो मेरा उधर ही है, जहाँ सब जाते वहीं हम जाते हैं। नहीं थोड़ा सा साइकिल या भाजपा या बसपा? मैं बैठा किस पर? अच्छा साइकिल पे बैठे हैं तो। हम लोग मैनपुरी लोकसभा सीट पर थे, ये कटरा सामान चौराया है। हमने यहाँ बाजार में लोगों से बातचीत की 2024 के चुनाव को लेकर। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो साइकिल उनकी पहली पसंद बन रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहीं भाजपा की तरफ भी रुझान है। हम लोग यहाँ समान कटरा चौराहे पर थे, लोगों से बातचीत की, यहाँ के रुझान जाने। जुड़े रहे आप शीशे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।